नाइट आउल नाइट आउल नाइट आउल हर जगह भाई नाइट आउल ही चल रहा है। मैंने कल वीडियो देखी, सारी चीजें देखी, हर तरफ नाइट आउल। जिसमें भी कंफर्म नहीं है कि ये लोग हैकर है, बट मैंने इनके कुछ क्लिप्स दिखाई थी जो कि सस्पिशियस थी। फर्स्ट राउंड में भी, सेकंड आई थिंक सेकंड राउंड की क्लिप्स थी। वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। मेरे को इतने सारे स्टोरी स्पैम, इतने सारे स्टोरीज के मैसेजेस कि भाई मैं परेशान हो गया। मैं बाहर था कल, मैंने अपना इंस्टा बंद करके छोड़ दिया था कि भाई जो होगा रात को देखूंगा। तो यार टीम नाइट आउल कल उनके बहुत सारे सस्पिशियस पीओवीज आए, बहुत सारे सस्पिशियस पीओवीज कि हैकर है, हैकर है, हैकर है। नाइट आउट के नहीं, एक और टीम थी INV करके, उसकी एक एमबॉट वाली क्लिप है जो तुम्हें दिख रही होगी स्क्रीन पे। उसने सीधा मारा बट उसका एम ट्रांसफर उधर उधर जहाँ जहाँ बंदे जा रहे हैं ऐसा लग रहा था कि एम लॉक है, बट इतना दूर आई थिंक होता नहीं है। बट क्या सीन था, वो भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस था, वो तो इससे भी ज्यादा सस्पिशियस लगा मुझे सच बताऊं तो। देखी सारी सबकी स्टोरीज देखी तो मुझे पता लगा कि मुझे नाइट आउट के एक बंदे ने भी मेंशन कर रखा है कि उनकी साइड तो सुन लिया, अब हमारी साइड भी सुन लो। तो उन्होंने एक बेसिकली POV डाला हुआ था जो कि मैंने स्टोरी पे भी शेयर किया था, वो उन्होंने POV डाला हुआ था। वो POV में मेरे को 99% क्लिप्स लेजिट लगी और जो तीन चार क्लिप्स थी वो बहुत सस्पिशियस थी। और उनके बाद उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी डाला था जो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि उस स्क्रीनशॉट में सारे प्लेयर्स दिख रहे थे। तो भाई अब चलते हैं नाइट आउल के POV के ऊपर। नाइट आउल क्लू ने जो POV डाला था अपना, ठीक है, उसका POV देखते हैं अपन। क्या POV है, क्या सस्पिशियस है भी या फिर सस्पिशियस नहीं है, क्या सीन है क्या नहीं है, वो देखते हैं अपन, ठीक है। ये सॉरी, ये तो अपना प्रमोशन कर दिया मैंने, फॉलो कर लेना भाई, नहीं किया 4000 फॉलोअर भी नहीं करा है। तो ये नाइट आउल का इंस्टा है, ठीक है, इसकी स्टोरीज देखते हैं पहले। ये तो उन्होंने उसके ऊपर लगाई थी जो किसी और का लोगो चुराया था, उसके ऊपर ये मैंने देखा नहीं था ज़्यादा। ये इसमें सारे बंदे दिख रहे थे, मैंने देखा था पूरे बंदे दिख रहे थे। एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ कहीं दिख रहा है, पता नहीं यहाँ का तो दिख नहीं रहा है। अच्छा ये रहा, यहाँ ये दिख रहा है और ये दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे इधर। तो ये तो आप कुछ नहीं कह सकते यार, बंदा दिख रहा है ऐसे तो टीम में भी तो पक्का हाँ वो तो है ही, हैकर का है। बट इफ तुम सोच रहे हो कि टीम नाइट आउल बैन होने वाली है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्त, नहीं बैन होने वाली किसी भी कीमत पे, बैन नहीं किसी भी कीमत पे। तो भाई ये नाइट आउल के बंदे का POV, नो क्लू का POV है ये, जिसमें अपन देखने वाले हैं क्या सस्पिशियस है और क्या नॉर्मल है। तो देखो ये यहाँ पे पहला बंदा है, इसने फोटो भी डालती है, यहाँ तो नॉर्मल ही है, ये POV नॉर्मल ही है क्योंकि दिख रहा है बंदा। इसमें थोड़ी क्वालिटी लो है तो इग्नोर करना, ये भी नॉर्मल है, ठीक है, राइट में दिख गया बंदा, नॉर्मल है, ओके। यहाँ भी ये भी दिख गया, ठीक है ठीक है, मतलब जैसे स्ट्रीम पे दिखाया जाता है ना, जैसे स्ट्रीम POV था कि हैकर हैकर है, मैं भी देख के ऐसा हैरान सा हो गया था। मेरे को स्टोरी मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या मार रहा है बंदा, बट इसके POV में वो चीज़ें सारी बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, बिल्कुल नॉर्मल। सारे बंदे पहले हमें स्पॉट हो रहे हैं यार, मुझे स्पॉट हो रहे हैं, तुम्हें स्पॉट हो रहे हैं। यहाँ देखो, ये देखो लेफ्ट में दिख गया बंदा यहाँ पे, ठीक है, ये POV भी नॉर्मल है। लेकिन अब आती है इस POV की बात, ये है सबसे ज़्यादा सस्पिशियस POV, ये है एक नंबर POV। यहाँ पे भाई ने पहले इसको ओपन कर लिया, खैर स्मोक भी हो रही थी और फाइट चल रही थी तो क्या पता बंदे हो, पता हो। हाँ ये नॉर्मल है, इसने स्कोपिंग कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हुआ इसको, ये स्मोक हो गया, भाई ने फायर करा बिल्कुल एग्जैक्ट पे, बंदे पे गोली लगी बिल्कुल एग्जैक्ट। फिर से देखता था यहाँ पे, इसने अगर इसे प्री फायर देना होता नहीं अभी देता प्री फायर, ठीक है, बट इसने कब मारा, जब बंदा आया तब मारा। मैं हैकर नहीं कह रहा, पहले बता रहा हूँ, कभी मेरे पे आके चढ़ जाओ। देखो यार मैंने एक बार इनसेन के POV भी रिएक्ट करा था, उसमें भी मैंने ये बोला था कि सस्पिशियस POV है, बट वो नहीं था सस्पिशियस, उसमें ग्लिच था एक। बट इसमें मैं आई थिंक ग्लिच का कोई सीन नहीं है, बट अभी भी मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए POV सस्पिशियस था, मेरे लिए इनसेन का POV भी सस्पिशियस था, मेरे लिए ये अंडरडॉग टीम है इसका भी POV बिल्कुल सस्पिशियस है। और मैं ये भी कहूँगा मेरे को सिर्फ एक यही POV है जो पूरे मैचेस में मुझे सस्पिशियस लगा, इसके अलावा मुझे कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा इसके पूरे POV में। जो स्ट्रीम POV होता है वो बहुत अलग होता है, इस पर विश्वास मत किया करो भाई, मत किया करो। वो POV में 99% बंदे ऐसे लगते हैं कि वो हैक कर रहे हैं, बट रियल में हमें भी स्पॉट हो रहा है, तुम्हें भी स्पॉट हो रहा है। ये देखो ये मारा इसने, तुक्का हो सकता है क्या, मुझे नहीं लगता। मेरे लिए तो सस्पिशियस है भाई, देखो वो तुम्हारी अब तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें सस्पिशियस लगे या फिर तुम्हें नॉर्मल लगे वो तो तुम्हारे ऊपर है। ये मेरा एक POV था, मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ के बाद इसका पूरा POV नॉर्मल है, पूरा POV, बट इसने जल्दी क्यों कर दिया, स्पीड में क्यों कर दिया मुझे नहीं पता, ठीक है ये भी नॉर्मल है।
नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक है। पर यार मैं कहूँगा ना, इससे मैं कहना चाहूँगा कि भाई ड्रॉप यू भी प्रोवाइड कर दो इफ़ यू आर लेजिट। ड्रॉप यू भी देने में क्या जाता है यार, सब ड्रॉप यू भी दिया करो टीम मैप के छोड़ के, वो तो कभी नहीं दे पाएंगे। दे भी तो उसमें एडिट कर देते हैं, स्क्रीन पर हाथ चलाते हैं भाई। हाँ लेकिन अगर तुम पीओवी से जज कर रहे हो ना कि ये टीम हैकर है, तो टीम माया भी तो फिर क्या ही है, वो तो हैकरों के भी पापा लोग हैं। अगर टीम माया भी भाई, और तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, भूल जाओ भाई मेरे दोस्तों, भूल जाओ, नहीं होगी ये टीम डिस्क्वालीफाई, नहीं हो सकती। पीओवी के बेसिस पे कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता, ये तो सोचना भी मत गलती से भी। जब तक कोई हार्ड प्रूफ नहीं मिलता, हार्ड प्रूफ पे भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता यार, टीम में भी क्या डिस्क्वालीफाई हुई, नॉर्मल है यार, ये तो सब नॉर्मल है, ये पूरा नॉर्मल है। साउंड सेंस का गेम है, इतना कुछ था ही नहीं भाई जितना हाइप बना रखी थी। मैं तो ये सोच के हैरान हो गया, बट मैंने इनके पहले भी प्रूफ दे रखे हैं कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस क्लिप है, पास्ट में भी मैंने ही एक्सपोज किया था इन्हें सबसे पहले, देख लेना। अभी T1 प्लेयर मर रहे तो सब आ गए, तब तो कोई भी नहीं आया था। तो कल एक और BGIS की टीम का भी प्लेयर बैन हुआ था लाइव, जिस टीम का नाम था टीम VST, और जिसका बंदा बैन हुआ था लाइव। जिस बंदे का नाम था बेरलिन, बेरलिन नाम का बंदा बैन हुआ है, जो कि VST लोगों के साथ ही खेल रहा था। अब ये भी नहीं बोल सकते कि ये बंदा रैंडम आ गया था, क्योंकि पिछले सारे मैचेस भी इसी लोगों के साथ खेल रहे थे। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, इन लोगों को खेलना था, चलो खेल रहे थे थर्ड पार्टी टूर्नामेंट, जैसे कि T10K का जो टूर्नी था वो खेल रहे थे, तो VST के नाम से क्यों नहीं खेल रहे थे, किसी और टीम के नाम से खेल रहे थे। अब ये बहाना मार देंगे कि मैं अपनी फ्रेंड्स की टीम से खेलने आया था, मेरा फ्रेंड बैन हो गया था, ऐसा कुछ था, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर ये बोलेंगे कि इनकी फेक IDs थी या फिर जो भी था, मैंने इनके सारे IGN मैच करे हैं, इनकी मॉन्टेजेस से, इवन BGIS के मैचेस से इनकी मॉन्टेज मैच करे, वही प्लेयर्स हैं, सारे वही प्लेयर्स हैं। बेरलिन शायद इन्होंने दूसरा बंदा खिलाया था हैक लगवा के, क्योंकि अगर बैन हो जाए तो ये लोग बहाना मार सके, जो कि ये मारने वाले हैं। तो इनका भी एक प्लेयर बैन हुआ है, ये भी सस्पिशियस है। प्लेयर बैन होना, तुम एक सस्पिशियस पीयू से इतना ज़्यादा चढ़ गए, अब ये सोचो जिसका प्लेयर बैन हुआ है तो वो हैकर है या नहीं है, ये भी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा भाई, मैंने तुम्हारे सारी दोनों टीम्स के प्रूफ्स दिखा दिए हैं कि ये टीम के ये प्रूफ्स है और इस टीम के ये प्रूफ्स है। भाई यार तुम्हारे ऊपर है सारी चीज़ें, तुम क्या सोचते हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पीयूवीज को देखते हो। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था भाई, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो भी करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो सच में। और तो यार मैं क्या ही कह सकता हूँ, पॉडकास्ट आने वाला है, कल अपन पॉडकास्ट अपलोड करेंगे तो वो भी देखना, बढ़िया पॉडकास्ट है, कंट्रोवर्सी हो सकती है उसके बाद, कंट्रोवर्सी होगी मे भी। तो मिलता है अगली वीडियो में, जय श्री राम सभी को, ख्याल रखो अपना, जय श्री राम। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।